الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا व अनतताजाल हज़ना इजाश तसहला आमीन या रब आलमीन दर हदीस के हवाले से हम यहाँ पर रारिन का मताल कर रहे हैं तो आज रबी अव्वल की मुनासबत से वैसे भी आज बारह रबी अव्वल है तो आज हम एक हदीस का मताल करेंगे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम के और औाफ़ मुबारक का तस्करा है हम हदीस का मताल करते हैं और फिर हम जैसे गुफ्तगु कर रहे होते हैं कि जी हदीस में आया है और बाज़त किसी फ़िक्ही मसले में किसी अख्तिलाफ़ी मसले में हम एक दूसरे के मुक़ाबल में भी अदीस लेकर आ रहे होते हैं ये हदीस में ये आया है उस साहब कहते हैं ये हदीस में तो ये भी आया है तो बाज़ात हम ये बात हमारे जहन से इस बात का सिरा छूट जाता है कि ये जो हदीस है ये असल में क्या है यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है यानी हदीस के बारे में हम ये कह सकते हैं उसकी मुख्तलिफ जो शक्लें और किस्में हैं कि हदीस क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात तो जिस तरीके से कुरान मजीद का माल करते वक्त या कुरान मजीद की आयत का कोई रेफ़रेंस देते वक्त मुस्तकिल ये बात हमें मुस्तर रहनी चाहिए कि क़ुरान असल में है क्या क़ुरान का तारुफ क्या है तो क़ुरान मजीद का जो तारुफ ख़ुद कुरान ने कराया है वो ये है कि ये कलाम अल्ला है ये अल्लाह का कलाम और ये गोया कुरान मजीद का तारफ़ भी है और क़ुरान मजीद के शरफ़ का सबसे बड़ा सबब भी है इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हम हदीस पढ़ रहे हैं या हदीस का मताल कर रहे हैं तो हमें बार बार इस बात को अपने ज़हन में मुस्र रहना रखना चाहिए और अपने दिल को भी इसके हवाले से जैसे कंडीशन करना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और वो पैगंबर कौन है उन पैगंबर का मर्तबा क्या है उनका मकाम क्या है वो जैसे हमें मुस्तहजर रहना चाहिए और जैसे इंसानों का मामला है कि इंसानों में आम तौर पर दो तरह के टाइप्स होते हैं एक वो लोग होते हैं जो शख्सियत के साथ ताल्लुक़ में उनके यहाँ जो है वो जज्बातीपन पाया जाता है गहराई पाई जाती है और कुछ लोग वो होते हैं कि जो तस्वुरात और अफकार उनके साथ अटैचमेंट जो है उससे उनको मुनासबत होती तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि ज़ात से ताल्लुक़ और अमर से ताल्लुक़ अल्लाह ताला के हवाले से भी यही है कि एक तो ये है कि भाई अल्लाह ताला की बात हमें माननी चाहिए हमारे यहाँ एक बात आम तौर पर कही जाती है कि भाई हमारा मसला क्या है हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते तो जैसे पैराडाइम उनके यहाँ इतात का गालिब होता है और अल्लाह ताला की जात के साथ एक शख्सी ताल्लुक मोहब्बत परस्तिश का पहलू वो दबावा होता है तो अल्लाह ताला के हवाले से भी ये मिजाज हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर एक वालहानापन होता है ताल्लुक माल्लाह में और कुछ लोगों के यहाँ जैसे एक बड़ा एक ख़ास तरह का लीगलज़म होता है कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं यानी जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो पैराडाइम उन पर गालिब होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी यही होता है हमारे यहाँ अवाम में जिस का गलबा है वो मोहब्बत रसूल है वो शान मुस्तफ़ा है और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान होते हैं आपके ख़साइ बयान होते हैं आपकी नबूवत के दलायल बयान होते हैं लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ बदअमली बढ़ रही है बेअमली बढ़ रही है और ताल्लुक़ मार रसूल बस एक जहनी सहारा बनकर रह गया है तो फिर उन्होंने इतात का जो पैराडाइम था उस पर फोकस किया उन्होंने कहा कि भाई असल बात यह नहीं है कि पैगम्बर सल्ह वसम के लबोर उखसार कैसे थी आपके जुल्फ़े कैसी थी आपका चेहरा मुबारक कैसा था असल बात यह है कि आप हमसे क्या चाहते थे यानी पैग़म्बर अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं या हमारे हुकूक क्या हैं तो असल बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें दरकार हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से एक शख्सी ताल्लुक, एक मोहब्बत का ताल्लुक भी दरकार है और वो ईमान का लाजमी हिस्सा है और नबी अक्रम सल्ला व्ल् ने ख़ इसका मुतालबा भी किया और आपने ये फ़रमाया कि लायन वाहदकुम हत्या कना हब्बिलदिम वालिदी ही वालद और एक में है कि मन्नास अजमाइन कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक हक़ीकी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालदे उसकी औलाद और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं तो नबी कम समें मखलूक़ात में सबसे बढ़ कर मोहब्बत हो तो होनी चाहिए एक मोहब्बत इलाही है और वो तो जाहरी बात है कि सबसे बदतर है वो लरीन आमनु अशदबल्ला लेकिन जिसको हम माँ सिवल्लाह कहते हैं जिसको हम जो है वो इबाद कहते हैं जिनको हम मखलूक कहते हैं उसमें हमसे मुतालबा ये है अहले ईमान से उम्म मोहम्मदिया साहब असलात वाम के अफ़राद से मुतालबा ये है कि वो नबी अक्रम सल्ह वम से सबसे बढ़कर जो है वो मोहब्बत करें और अपने तमाम अलायक से बढ़कर कुल कुल इनकहाना हुकुम व अबनाकुम वखवानकुम व आशरतकम व आबाक व अबनाकुम वजवाजकुम व आशरतकम वाल तरफ तुम्हारा व तजारतन तक्षश उ न कसा रहा व मसाकिन कि न तरज नहा एनबीन से कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे जोड़े स्पाउसेस और तुम्हारे जो भाई हैं और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किया है और वो तजारत जिसके किसकी कसात बाजारी का तुम्हें अंदेशा रहता है और वो खेत खलीनान जिनसे जिन तुम्हें बहुत मोहब्बत है या वो मसाकिन जिन्हें जिनसे तुम्हें मोहब्बत है मिन मिनल व रसूलिही अगर ये पाँच जो है रिश्ते और ये तीन अलाक ज़्यादा महबूब हो जाएं अल्लाह से और उसके रसूल से वह जहादिनफ़ी ही, और उसके रस्ते में जिहाद से फतरबस हूँ तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से अल्लाह को छोड़ कर सबसे ज़्यादा जो है वह मोहब्बत करना यानी अल्लाह को छोड़ कर मतलब क्या है अल्लाह के अलावा अल्लाह के इसतना के साथ बाकी तमाम हस्तियों में सबसे बढ़ कर महबूब रसूल्ला सल्ला वम को होना चाहिए और दूसरा मुतालबा क्या है कि हर मामले में पैगंबर की बात को ऊपर रखा जाए अगर इंसान की हवा उसकी ख्वाहिश एक तरफ़ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर दूसरी तरफ हो तो पैगंबर की बात को बाला रखा जाए आपने फरमाया ना कि वो शख्स जो है लायुमिनकुम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्या यकून हवा व तबान लिमा जी तो भी यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे ना हो जाए उस चीज़ के जो मैं लेकर आया हूँ और पैगम्बर क्या लेकर आए हैं कुरान सुन्नत तो पैगम्बर सल्ला वसलम से शदीद तरीन मोहब्बत और पैगम्बर सल्ला वल्लम की कुल्ली इतात ये दो बड़े मुतालबे हैं जो हर हर उम्मीती से किए गए तो बादल आज जो हम एक हदीस पढ़ रहे हैं यह हदीस जो है वो कई किताबों में आई है और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारुफ पुरानी किताबों में नक़ल हुआ है उसका बयान है तो अताबिन यसार जो एक ताबई हैं वो कहते हैं लकीर तो अब्दल्लाबन आमन आस मेरी मुलाकात हुई सैदना अब्दुल्लाह बिन अम्र आस रजी अल्लाह अन्हुमा से तो मैंने उनसे दरख्वास्त की अन अखबिरनीसफ़त रसूल सला वम कि आप हमें बाखबर कीजिए रसूल्ला सलाह वसम की सिफत के बारे में यानी वो लोग के जो ताबई हैं ये वो लोग हैं कि जो नबी अक्रम सम की ज़्यारत नहीं कर सके आपकी सोहबत में नहीं बैठ सके तो उनको जो सहबत मैसर आई है वो रसूल सल वसम के सहबा की है तो इस वजह से ताबयन गोया बहुत रश्क से देखा करते थे सहाबे के राम को और फिर गोया बार बार आकर पूछते थे कि वो पैगम्बर जिन पर हम ईमान लाते हैं जिन पर ईमान लाए बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता उनकी कुछ सिफत तो बयान कीजिए उनकी कुछ शान बयान कीजिए तो सैदना अब्दुल्लाबीआस व हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल वसम ने ख़ास पर कहा था कि वो इबरानी सीखें और जो अहले किताब के जो शहीफ़े हैं जो उनके अस्फार हैं उनका करें। तो वो इब्रानी जानते थे और बराह रास्त तौरात और इंजील का मताल किया करते थे तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप कोई नबी अक्रम सल्ला वसम की सिफ़ात तो बयान कीजिए उन्होंने फरमाया अजल क्यों नहीं मैं बताता हूँ वल्लही नहू लमसूफ़ उन फ़ितात भी सिफ़त ही फिलकुर फरमाया कि अल्लाह की कसम रसूल वसम को तौरात में भी उन्हीं औसाफ़ से बयान किया गया है जिनमें से बाज वो हैं जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं यानी मुराद ये है कि वो मैच करते हैं उससे फिर आगे आयत पढ़ी सूरह अज़ाब की आयत नंबर पैंतालीस का एक टुकड़ा या यु नबी ए नबी इन्ना का शाहिद व मुबरऊँ व नज़ीरा ए नबी सल्हसम हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर और बशारत देने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला बनाकर तो कहते हैं बिल्कुल इस मजमून की आयत भी गोया जो है वो तौरात में मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वस बयान किया गया कि आप शाहिद हैं आप गवाह हैं इन बानों में भी कि आपने अल्लाह ताला के दीन की गवाही दी और इन मानों में भी कि आप अपनी मुबारक ज़ात से भी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है यानी पैगंबर मोजा लेकर भी आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से वो कुरान मजीद है और पैगंबर ख़ुद अपनी जात से भी मौजा होता है यानी पैगंबर की अपनी ज़ात जो है वो मोज़ नुमा होती तो आप गवाह हैं और आपको मालूम है कि आपने ये गवाह दी और फिर ख़ुब हजतल के मौके पर आपने अपने साहबा से गवाही तलब की कि क्या लोगों तुम ये क्या तुम इसकी गवाही देते हो कि मैंने तुम तक बात पहुँचा दी तो सहाबा कर राम ने उसको जो है कहा कि बिल्कुल इन्ना न शु अन्न का रिसाला हम इस बात की गवाही देते हैं कि बेशक आपने रिसालत को पहुँचा दिया पैगाम पहुँचा दिया वह अदई तल अमाना और आपने अमानत अदा कर दी जो अल्लाह ने आप चूँकि दी थी और फरमाया कि आपने और क्या किया कि कश्यफ तलगुम और आप ने जो है वो तमाम अंधेरे दूर कर दिए इन्ना नशदुलन्ना के कदबलक रिसालता व अदईलमानता व नसाह व कश्यफ तगुम आपने इस उम्मत की खैर कही कादा कर दिया और आपने तमाम अंधेरे दूर कर दिए और फिर आपका वसफ़ क्या है कि आप मुबशर हैं आपने बशारत दी वो लोग के जो ईमान और अमल साले की शरात पूरी करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह की रज़ा की अल्लाह की जन्नत की बशारत दी और वो लोग के जो बाज नहीं आ रहे जो सरकश हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़बरदार किया तो हम देखते हैं कि पूरा कुरान मजीद भी इसी बाइनरी में है कि उसमें तरगीब है और तरहीब है रगबत दिलाई गई है और खौफ जो है पैदा किया गया है जो मानने वाले हैं उनके शौक़ में इजाफ़ा किया जाता है उनको जो है बकअप किया जाता है और जो नहीं मानने वाले उनको डर सुनाया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी हम देखते हैं कि अहादीस जो अहादीसें फ़ज़ाइल कहलाती हैं उनमें पूरा जो एक बाब है वो तरगीब व तरहीब का है तो है नबी हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर और बशारत देने वाला बनाकर कर ख़बरदार करने वाला बनाकर अब यहाँ आयत तो ख़त्म हो गई अब आगे वो मजीद बता रहे हैं कि तौरात में आपका कैसे कैसे तस्करा है वह लिल उम्मीन कि ये जो पैगंबर आएंगे, इनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इनको भेजा है उम्मीन के लिए एक ढाल के तौर पे उनकी हिफाजत के लिए और जैसे कि आपको मालूम है कि वो लोग कहलाते थे कि जो बनी इस्माइल थे जो कुरैश मक्का थे जिनके यहाँ किताब शरीयत की रिवायत मौजूद नहीं थी तो अब गया तौरात में ख़ास इस बात का भी तस्करा है कि वो पैगंबर जो आएंगे इनकी बेसत खसूसी जो है वो उम्मीद के लिए होगी आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं गोया तौरात में उसको बयान करते हैं अनताबदी व रसूली कि पैगंबर के बारे में कहा कि आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं सई तुकल मुतवक्ल मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है यानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बहुत से सिफ़ाती नाम हैं ना आप आकिब हैं आप हाशिर हैं आप ख़ातमनबी जी हैं आप बशीर हैं आप नज़ीर हैं तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह अल्ल कहते हैं मैंने गोया उनका नाम मुतवक्किल रखा है और ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से जो औसाफ भी तलब करते हैं वो पैगंबर में बिल्कुल अपनी इंतहा पर पाए जाते हैं लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस व़फ़ को हाईलाइट किया गया है वो आपका तवक्कुल है वो आपका अल्लाह पर एतमाद है और चूँकि यकीन और तवक्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है जितना अल्लाह पर यकीन होगा उतना अल्लाह पर तवक्कुल होगा उसके बहुत से मज़ाहिर हैं और एक बहुत बड़ा मज़हब जो है वो आपका आपकी सखाव में जाहिर होता है कि आपके पास बेतहाशा माल आता था लेकिन आप वो सब का सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे और आपका सारा अहबार जो है वो अल्लाह पर होता था जब आपको मालूम है ग़ार सौर में आप सैद नाबकर सिद्दीक रही तहसूर थे तो वहाँ पर जब बिल्कुल करीब पहुँच गए ग़ार के मुँह पर मशरकिन की जमात पहुँच गई तो सैद नाबूबकर ने अल्लाह के नबी से कहा कि अगर ये अपने पाओं की तरफ भी देख लेंगे तो हमें पा लेंगे उस मौके पर नबी अक्रम सल्ह वसलम ने फरमाया अबा बकर मा रनू का भी इस इस्नईन अल्लाह हुमा कि क्या अबू बकर तुम्हारा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है और कुरान अक्रमीद क्या कहता है इस यकूल अली साहिबी ही ला तहजन इन अल्लाह माना जब उन्होंने अपने साहिब यानी अबू बकर सिद्दीक से कहा कि मत जो है वो हज़ीन हो मत जो है वो गम करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है तो कहा कि मैंने इनका नाम मुतवक़ल रखा है लई सभी फ़जन वाला गलीज़, ना वो ज़बान के सख्त हैं तुंद हैं और ना ही इनका दिल जो है वो सख्त है और ये वही औसाफ़ हैं जो कुरान मजीद में बयान हुए फ़बीमा रमतिन ये अल्लाह की रहमत और फ़जल है आप पर कि आप इनके लिए बहुत नरम हैं वलौकुन तफ़न अगर आप होते तुंद रूह सख्त मिजाज वाले सख्त गुफ्तु वाले गलीज अलकल्ब और अगर आपका दिल सख्त होता है यानि आप संग दिल होते लन फ़जलो मिन हाउलिक, तो ये लोग आपके गेंद से छट जाते वला बिन फिल फिलवाक और ये जो पैगंबर हैं ये बाज़ारों में शोर मचाने वाले गुल मचाने वाले नहीं हैं यानी इन इन पैगम्बर को गोया बाज़ार के पूरे माहौल से कोई मुनासबत नहीं है उनको सारी मुनासबत जो है वो मस्जिद से है वो महबदत से है वो अल्लाह के ज़िक्र से है वलायदफ़ बिस सै तस्या और ये पैगम्बर वो हैं जो बुराई को बुराई से दूर नहीं करते खुद को कहा है ना कि इतफ़ा बिलतीी ही आहसन अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो उसको अच्छाई से उसका बदला दो और अगर तुम ऐसा करोगे फ़ैर लरी बई न कबई नदावत कलिय हमीम तो तुम देखोगे कि उसके और जिस किसके तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त बन जाएगा तो कहा कि ये पैगंबर जो है बुराई को बुराई से दूर नहीं करते बल्कि भलाई से दूर करते हैं वलाकी कंफ़ू व यगफिर और ये पैगंबर जो हैं वो दरगुजर करते हैं माफ़ कर देते हैं उसकी कितनी मिसालें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन, जिन जिन लोगों ने आपको अल्लाह शहीद करने की कोशिश की जिन लोगों ने आपको जहर देने की कोशिश की जिन लोगों ने आप पर जादू करने की कोशिश की और फिर ख़ास तौर पर फ़तेह मक्का के मौके पे वो तमाम सरदार मौजूद थे जिन्होंने आपको जो है मक्का मुकदमा से जो है वो निकलने पर मजबूर किया तो उन सब को आपने क्या कहा कि इजहबा तुम तुलका ला तसरीबा आलकुमुलय्यूम आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है तुम सब जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो तो कहा कि ये माफ़ कर देते हैं ढाँप देते हैं वलै यक विज़ुल्लु यक़ीम बिल मिल्ल आहूजा और अल्लाह ताला इनको कब्ज़ नहीं करेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए उस मिल्लत को जो टेढ़ी हो चुकी थी उसको सीधा न कर दें यानी वो लोग के जो बिल्कुल गुमराह थे जो शिरक पर थे जिनके यहाँ जो है वो हज़ार हा बुत थे तो अल्लाह ताला ने पैगंबर के ज़रिए उस टेढ़ी उम्मत को सीधा कर दिया और कैसे सीधा किया बेआई यकुल ला अला कि वो ये कहें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं वह यफ तहबी आयुन अमया और अल्लाह ताली ने अपने पैगम्बर के ज़रिए उन आँखों को जो अंधी थी उनको खोल दिया यानी जो नाबीना थे उनको बीना कर दिया वह आज़ानन सुम्मा और उन कानों को जो बहरे हुए थे हक की आवाज़ सुनने के लिए उनको जो है वो सुनने वाला बना दिया व क्लूबन गुल्फ़ा और उन दिलों को जो गिलाफ में पड़े हुए थे जिन पर ऐसे लगता था कि मोहर होने वाली है उन दिलों को खोल दिया तो ये वो औसाफ हैं जो सैदना अब्दुल्ला बिन अमदब्ला सजी अल्लाह तनम फ़रमाते हैं कि तौरात में नबी अक्रम सल्ल वसम का ये वस बयान हुआ है ये सिफत बयान हुई है अल्लाह ताली हमें नबी अक्रम सल्ल वसम से सच्ची मोहब्बत और आपका इतबा नसीब फ़रमाए